साइबर अपराधियों के विरुद्ध गिरिडीह पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और यह छापामारी आगे भी जारी रहेगी। पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जितने भी साइबर अपराधी इस जिले में हैं और जो सक्रिय हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर कुछ साइबर अपराधियों को दबोचा है। इस बात की जानकारी पपरवा तांड कार्यालय में एसपी दीपक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जमजोरी का सरफुद्दीन, जामतारा जिले के लटाई का विकास मंडल, नारायणपुर का ही विकास मंडल, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के देवपुर का सुनील रवानी, मुकेश वर्मा, गांडे के चंपापुर का इरफान अंसारी, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद तनवीर, देवघर के मरगो मुंडा का मोहम्मद सोएब अख्तर, गांडे के चंपापुर का सैयद अंसारी, मोहम्मद अहमद अंसारी, अबुल हसन और गांडे के आसन बोनी का मनोज मंडल शामिल है। बताया कि ये सभी साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि दिलवाने, गूगल पर फर्जी कोरियर सर्विस का एड बनाकर वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे। इस बाबत गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इन साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह से साइबर अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और क्या कुछ कहते नजर आए हैं गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा, आइए आपको वो सुनाते हैं। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी ठगी करने की योजना बना रहे हैं। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा कुल 13 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इनके पास से 28 मोबाइल सेट, 43 सिम कार्ड, जिसमें 8 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं और इसमें जो फर्जी सिम सप्लायर था वो भी पकड़ा गया है, 5 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 2 पैन कार्ड, 1 ब्रेजा कार जो साइबर अपराध में जो ठगी के पैसे थे उससे खरीदी गई कार थी, 2 मोटरसाइकिल और नगद 1,35,000 रुपये पकड़े गए हैं। इन्होंने स्वीकार किया है कि मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे तथा गूगल पर फर्जी कुरियर सर्विस का ऐड डालकर ठगी किया करते थे तथा इसके साथ ही बिजली बिल रिचार्ज कराने के माध्यम से उनकी ठगी करते थे लोगों से। वृद्धा अवस्था का जो पेंशन का जो पैसा होता है उसको दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। साइबर अपराधियों के विरुद्ध गिरिडीह पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और यह छापामारी आगे भी जारी रहेगी। पुलिस नंबर्स पर भरोसा नहीं रखती है। पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जितने भी साइबर अपराधी इस जिले में हैं और जो सक्रिय हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी।